बिल्डिंग है ना ऐसे ही बाबा की, और भी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग का नाम है शांति कुंज। ये जब कभी गुड़गांव जैसे आते हैं ना, तो ये मानेसर रोड पे मतलब है गुरुग्राम के अंदर ही, तो आप इसके अंदर कभी आइए देखिए बाबा का कितना बेहतरीन। ऐसे ऐसे जैसे महल होते हैं ना, राजा महाराजाओं के महल क्या होंगे, जो हमारे बाबा के एक ही बिल्डिंग महलों से कम नहीं है। पार्किंग वगैरह और हरियाली और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, मतलब ये कोई महल है, ये कोई वो नहीं है जैसे छोटा मोटा होटल, होटल नहीं है ये महल है, महल जिसको कहते हैं महल। ये देखिए हैप्पी होम, भाई बेहद का कार्य क्या होता है, ईश्वर का कार्य क्या होता है, और नई दुनिया सतयुग क्या होता है, ये अगर देखना है ना तो आप यहाँ आइए। यहाँ आके ORC मानेसर के अंदर आपको ऐसी ऐसी जगह हैं, ऐसे ऐसे मतलब जैसे हमने पुराने टाइम में विदेशों के जैसे फिल्मों में देखा करते थे बड़े बड़े महल, आज वो सारे महल हैं ना हमारे बाबा के, ये बोलते हैं इसको ORC मानेसर। ORC मानेसर यानी री स्ट्रीट सेंटर है ना, री स्ट्रीट सेंटर गांव भोड़ा कला। तो ये जैसे ये जो परिसर बना हुआ है ना, ये जैसे उन भाई बहनों के लिए जैसे जो बाहर से आते हैं ना फॉरेन, जो भाई फॉरेन से आते हैं, तो उनके लिए यहाँ स्थान बनाया गया है। इसके अंदर भी देखो आपको ऐसा किसी और जगह नहीं मिल सकता, यानी बिना स्वार्थ के जो कार्य ये ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा परमात्मा करवा रहे हैं ना, ऐसा कार्य मतलब और कहीं नहीं है, ऐसा कार्य आपको कहीं और नहीं मिलेगा। इस ORC के अंदर शिक्षा दी जाती है, जैसे नर से नारायण बनने की और नारी से लक्ष्मी बनने की, तो ये ईश्वर की पढ़ाई है ना, या परमपिता परमात्मा खुद आकर सम्मुख बैठकर आत्माओं को गीता ज्ञान देते हैं, और हर रोज सुबह सुबह मुरली के बाद फिर शाम को योग होता है, और कोर्स भी कराया जाता है सेंटरों पे। तो ये जो बेहद का कार्य है ना, ये कुछ परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आके ईश्वरीय ज्ञान ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा जगह जगह पाठशालाएं बनी हुई हैं, मतलब गीता ज्ञान सम्मुख बैठ के परमपिता परमात्मा टीचर बहनों के द्वारा ये कार्य करवा रहे हैं। तो इसका जो आप जब कभी आप यहाँ आएंगे ना, खुद जब आप देखना और फिर इसका वर्णन करना कि भाई इसका वर्णन करने के लिए शब्द है या नहीं है। ये है पैरामिक। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं भी आपको गंदगी तो दिखाई भी नहीं देगी यहाँ पर, और ना ही आपको कोई पानी भरा मिलेगा। इतना साफ सुथरा, इतना बढ़िया तरीके से ये पीस पैलेस, जैसे नेहरू कुंज है ना, ये भी उसी का एक हिस्सा है पीस पैलेस। अभी अभी एक भाई यहाँ से मोटरसाइकिल उठा के गए हैं, तो ये जैसे मैं पहले आता था ना तो मेरे को यहाँ रूम मिलता था, अब जैसे निर्मल कुंज में मिला है। तो जो भाई बहन आके नहीं दे सकते यहाँ पर, तो आप इस वीडियो के द्वारा देख सकते हैं कि मिनी मधुबन अपना किस तरीके से बाहें फैलाए हुए बैठा है। ये जो जगह है इसको बोलते हैं रिसेप्शन। यहाँ जैसे बाहर से आते हैं ना, जब बाहर से यहाँ आते हैं तो सबसे पहले यहीं से आपको दिखा पड़ी होके कमरे की चाबी वगैरह मिलती है। तो देख लिया आपने, मधुबन तो है ही अपने आप में, मगर हमारा ये मिनी मधुबन है ना, ये भी उससे कम नहीं है। यहाँ दो दिन की भट्टी में आके आत्मा इतनी तृप्त हो जाती है कि मतलब जैसे हम 3 महीने के लिए और आगे बढ़ जाते हैं।
तो कहने का मतलब ये, सुबह आप मुरली सुने, शाम को योग करें, नशी भवन ये जो गेट है पीछे, ये एक नंबर गेट है, पहले पुराने वाले गेट से आते थे, अब इस गेट से एंट्री चालू हो गई है।